अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहानी साध भोई कोली आदि प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन में उद्घाटन के पावन अवसर पर इस महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित करने वाले महाराष्ट्र के ही नहीं जिन्होंने पूरे देश की समस्याओं को मेरे सामने 2014 से लगातार रख रहे ऐसे आदरणीय रमेश दादा पाटिल जी, जो ये मंच उपलब्ध कराया, उनका हम सबकी तरफ से ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के जो देश का सिरमौर है, उस क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय सुदेव गुप्ता जी, हमारे पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी बिहार के लाल आदरणीय अजय निषाद जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी गोरखनाथ जी, पूज्य गोपाल दास जी तथा मंच पर, क्योंकि सभी सम्मानित मंचों का मैं, मेरी मजबूरी है 9:30 बजे, जिसमें पूरे देश के ही नहीं 13 देशों के लोग जुड़ने वाले हैं। और आप जानते हैं जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो मिनट टू मिनट होता है, और 9 बजे ही मुझे उद्घाटन करना है। पहले महामहिम राज्यपाल जी को ये कार्यक्रम उद्घाटन करना था, इसके कारण ये कार्यक्रम मैंने सोचा था कि वह उद्घाटन करके मैं इधर आ जाऊंगी। फिर दादा, उनकी तबीयत खराब हो गई, दादा ने कहा कि उद्घाटन आपको ही करना है, तो मैंने कहा चलो समय पर पहुंच करके मैं उद्घाटन करके निकल जाऊंगी। मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करती हुई हमारे इस आयोजन के राष्ट्रीय जो एक बहुत विचारधारा अच्छी संघ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं समझती हूँ कि मैं आज पहली बार इस आपके राष्ट्रीय मंच में, मुझे आपने बुलाया, मैं आई हूँ। हमारे कोली, निषाद, लोधी, राजपूत सारा मिल करके, और ये दुर्भाग्य रहा देश का, इस देश के अंदर फूट डालो, राज करो, उस राजनीति के तहत चाहे कोली हो, भोई हो, निषाद हो, कश्यप हो, कहार हो, लोधी हो, सारे समाज करके जातियों में बांट करके विभाजित करके ये सामूहिकता में एकजुट ना दिखाई पड़े। इस कारण से हम बहुत होते हुए, यदि मैं पूरे देश का आकलन करूं, हम 22-23% है, लेकिन दुर्भाग्य जो 2%, 3%, 4% उनकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। हमारी भागीदारी होने का कारण क्या है? कई बार हम दूसरे को कोसे तो मुझे लग रहा है अच्छा नहीं होगा। कल चर्चा हो रही थी दादा के सामने बैठ करके, हमारा समाज पिछड़ा क्यों है? मुझे लग रहा है कि उस कारण को जरूर खोजना चाहिए। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति उठा वो अपने तक सीमित रहा, अपने दायरे तक सीमित रहा, उसने अपने परिवार को तो बढ़ाया, अपने परिवार के लिए काम किया, लेकिन समाज के लिए काम नहीं किया। दूसरा कारण, हम इतने पिछड़े क्यों हैं? हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है? जब मैं गांव में जाती हूं, लोग कहते हैं हम गरीब हैं, गरीबी के कारण हमारी भागीदारी नहीं हो पा रही है। मैंने कहा यह सोच गलत है, यही सोच हमें पीछे ले जाने का काम कारण बन रही है। गरीबी बाधा नहीं है, हमारी जो अंदर की कमजोरी है, हमें अपनी कमजोरी को देखना चाहिए। यदि गरीबी बाधा होती ना, आज मैं आपके बीच में इस मंच में खड़े होकर के बोल रही हूं, और मैं कह सकती हूं कि आज संत समाज में भी मेरे को जो सम्मान मिल रहा है, शायद समाज में किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला। इस सम्मान के पीछे मैं नहीं हूं,
सम्मान के पीछे मेरे पिताजी हैं। कल्पना करिए, आपको भी लग रहा होगा कि साधु जी बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है। शायद आज जिस दौर से मैं गुजरी थी उस समय बचपन में, वो दौर किसी को नहीं होगा। मेरे बाप फौरा चलाते थे, मेहनत करते थे। 12 साल की अवस्था तक हम भी पिता के साथ जाते थे, काम करते थे। लेकिन आगे बढ़ने का राज क्या है, मेरे पिता के अंदर कोई दुर्गुण नहीं थे। शराब नहीं पीते थे, जुआ नहीं खेलते थे। और आप कल्पना करिए, आज आपके बीच में मैं खड़े होकर के बोल रही हूं, और एक मेरा बड़ा भाई 10 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ने जाते थे हमीरपुर, और वो रेलवे में भर्ती हो गए थे। कोई कारण नहीं है हमारे आगे बढ़ने में बाधा। हमारे आपके अंदर की जो गुलामी है, गुलामी जंजीरियों से नहीं होती है, गुलामी जो दुर्गुणों की गुलामी है, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर के दुर्गुण है, उन गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा इस सदन से एक अनुरोध है कि आप इसको यही बैठक करके समाप्त मत कर दीजिएगा। हमारे लक्ष्मी नारायण दादाजी बैठे हुए, मैं हमीरपुर से एमएलए हुई थी, अंधाधुंध लोग शराब पीते थे। मैंने कहा मुझे वोट देना ना देना, लेकिन मेरी झोली में शराब पीना बंद कर दो, वो भिक्षा डाल दो। और मुझे लग रहा कि 50% ज्यादा कम हो गया। आज बच्चे पढ़ने लगे, आगे जाने लगे। मालूम है दादा को, कुलदीप निषाद जो चेयरमैन हमीरपुर में 2 बार से, वो भी एक निहायत दूसरे के बर्तन धोने वाली माँ का बेटा है। बाप तो बचपन में खत्म हो गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम ग्रुप बना करके, छोटे छोटे ग्रुप बना करके हम समाज में बैठे और समाज को प्रेरित करें। एक टाइम रोटी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, और शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस मीटिंग को यही समाप्त करके मत चले जाइएगा। और मेरी जहां जरूरत हो, यद्यपि संत पूरे समाज का होता है, संत किसी जाति में नहीं बना होता है, लेकिन आपके उत्थान के लिए मुझे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना पड़े तो मैं वो भी चलने। आपको मालूम है ओबीसी का भी संगठित नहीं था, हम लगातार मांग कर रहे थे। जयप्रकाश जी बैठे हुए मंच पे, अजय जी बैठे हुए, हम सीधे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास बैठ करके हमने कहा ओबीसी कमीशन जब तक गठित नहीं होगा, ओबीसी अपनी समस्या कहां रखे जा करके। मैं अभिनंदन करती हूं भारत के सुशील प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का, जिन्होंने ओबीसी कमीशन गठित करके हमें एक फोरम दिया, एक जगह दी जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं तो कहती हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, बस आप में संगठन की आवश्यकता है। संघे शक्ति कलयुगे, इस घोर कलयुग में संगठन की आवश्यकता है। संगठन मंच में नहीं, गांव तक जाना चाहिए, एक आवाज में खड़ा होना चाहिए। मायावती इतनी बड़ी नेता क्यों बनी? क्योंकि उनके पीछे उनका समाज खड़ा था, पूरा समाज एकजुट था। वो व्यक्ति नहीं देखता था, मायावती ने आवाज लगाई, उसका वोटर एक साथ एकजुट होकर के वोट देने गया। मैं अभिनंदन करती हूं आपका कि 2014 से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया। यही कारण है कि कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को हिला नहीं पा रही है। वो है कारण यही समाज जो आज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। यही कारण है, गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में वो मोदी जी को देख रहा है, मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं तो इतने कहा करती हूँ, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर निज नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो,
समझो जिससे व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। मोहम्मद गोरी परास्त तो हो गया था, लेकिन एक वृक्ष में चढ़ती हुई चींटी को, वो चींटी चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, 17वीं बार वो चींटी चढ़ करके पेड़ में पहुंच जाती है। मोहम्मद गोरी चींटी को देख करके इस देश को गुलाम बना करके चला गया था। तो हमारे अंदर ताकत है, क्षमता है, हम बढ़ सकते हैं। बस मेरा आपसे, मैं संत हूँ, संत के नाते मेरा भिक्षा मांगना दायित्व तो बनता है। मैं झोली फैला करके भीख मांग रही हूँ कि दो दुर्गुण छोड़ दो, कोई की ताकत नहीं है कि आपको बढ़ने से रोक सके, कोई ताकत नहीं है। बस जुआ और शराब, आप शराब पिएंगे और बच्चे से चाहेंगे कि बच्चा शराब नहीं पिए। एक बाप बेटे को भेजता है, जा बेटा बीड़ी सुलगा के ले आओ, वो लाएगा तो फूंक पहले लगाएगा ना, बोलो ना, पहले लगाएगा ना, तो आदत तो हम ही खराब कर रहे हैं। हम बच्चों के दुर्गुण कैसे छुटा पाएंगे। एक गुरु जी के पास से एक माता बच्चे को लेकर के गई, माँ ने कहा महाराज जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। महाराज ने कहा माँ 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद जब माँ बच्चे को लेकर के गई, महाराज जी ने कहा बेटा गुड़ खाना बहुत बुरी चीज है। माता ने कहा महाराज इतनी बात कहनी थी तो 15 दिन पहले क्यों नहीं कह दिया था। महात्मा ने कहा मैं गुड़ खाता था, इसलिए मैं गुड़ खान छोड़वाने की बात नहीं कह सकता था। मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया तब मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूं। बस मेरा यही निवेदन है, उपदेश देने के पहले हमें स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने श्रेयस का एक नौ अध्याय भी जोड़ सकते हो। कौन सा चित्रकारी भाई, महाभारत उठा के देखोगे आपका इतिहास मिलेगा, रामायण उठा करके देखोगे आपका इतिहास मिलेगा। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, गुलामी हमने झेली, हमने मजदूरी करना स्वीकार किया, लेकिन हमने धर्मांतरण नहीं किया, ये बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारे वरिष्ठ अनुभवी लोग मंच पर बैठे हैं, हमारी सुषमा जी नीचे बैठी, बहुत सारे ऐसे नीचे जो बैठे जो समाज का काम कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आपके कार्यक्रम में पहली बार आई हूँ और हो सकता है गणेश भगवान कुछ करना चाहते हो, इसलिए गणेश जी की पूजा करके गणेश जी की वंदना करके इस कार्यक्रम को शुरुआत हुई है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई मैं रमेश दादा का अभिनंदन इसीलिए करती हूँ कि कोई भी समस्या हो यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं, दीदी ये करना है, दीदी वो करना है, ऐसा व्यक्ति चाहिए। जो मछुआरों की बात कह रहे हैं ना, मछुआरों ने नौका बंद कर दिया था चलाना क्योंकि सब्सिडी नहीं मिल रही थी पेट्रोल में, और दादा नहीं जाते तो मुझे क्या मालूम होता। और आज ये महाराष्ट्र के लिए अकेले नहीं हुआ, पूरे देश के लिए लागू हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कब संभव हुआ, जब मोदी जी की सरकार है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।